छिंदवाड़ा में हिंदू संगठनों ने कांग्रेस नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर निर्माण को लेकर विवादित बयान देने पर आपत्ति जाहिर की है। हिंदू संगठनों ने विरोध स्वरूप कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया और उन्हें असुरी प्रवृत्ति का बताया। परासिया में हिंदू संगठन ने कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का पुतला जलाया और राम मंदिर निर्माण को लेकर विवादित बयान पर घोर निंदा की। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा था कि राम मंदिर निर्माण में निधि लेने वाले दिन में चंदा मांगते हैं और रात में नदी किनारे बैठकर शराब पीते हैं, जिस पर हिंदू नेता मुकेश मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि कांतिलाल भूरिया जैसे असुरी प्रवृत्ति के लोग जब जब राम मंदिर निर्माण की बात हुई है तब तक उन्होंने ऐसा ही बयान दिया है। कांग्रेस की ये ओछी मानसिकता है, इन्होंने राम मंदिर निर्माण में हमेशा बाधाएं पैदा की हैं। कांग्रेस के नेता अपनी नियत को साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में विधायक असुरीय प्रवृत्ति के श्री कांतिलाल भूरिया द्वारा एक विवादित बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस और भाजपा और संघ के लोग जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए लोगों के द्वारा दान दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और शराब का सेवन कर रहे हैं। ऐसी ओछी मानसिकता सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की ही हो सकती है और जब जब राम जन्मभूमि की बात आई है तब तब कांग्रेस के लोगों के इसी तरह के नगर बयान आए हैं जिससे उनकी मानसिकता झलकती है। इसका पूरा हिंदू समाज, हिंदू जागरण मंच घरों को घोर विरोध करता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।